महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आपके पास गाली है तो आप गाली दोगे, अगर आपके पास प्यार है तो आप प्यार दोगे। कि ये जो टीचर्स की कमी है, जितनी जल्दी ये पूरी हो जाएगी, हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो भी बहुत अच्छा होगा। अपने स्कूल के बच्चों को हम ज़्यादा एजुकेटेड नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट अपने घर के बच्चों को तो हम लोग एजुकेटेड कर दें। उसको एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत उसको अच्छी मॉरल वैल्यूज़ की है। एजुकेशन तो बाद में वो ले लेगा, अगर उसमें मॉरल वैल्यूज़ आ जाएंगी तो वो चीज़ें हमारी समाज में पहुँचेगी और हमारा बच्चा कभी भी अपने आप को नीचा महसूस नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज जो ये फर्स्ट बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं पीछे फर्स्ट महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षक अवार्ड है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस एक के आगे ना जाने कितनी जीरो लग जाए। और मैं सभी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो ऐसे ही काम करते रहें, और हमारा सम्मान उन्हीं के साथ है। जिस तरीके से वो हमें सम्मानित करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ भी पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे। मैं एक मेंटोर के रूप में कार्य कर रही हूँ, और मैं एक ज़मीनी स्तर पर जब मैं बच्चों को देखती हूँ, कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अभी जो जितना मैं देख पा रही हूँ कि ये जो टीचर्स की कमी है, जितनी जल्दी ये पूरी हो जाएगी, हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो भी बहुत अच्छा होगा। क्या क्या समस्या वैसे आ रही है? सर, समस्या जो बेसिक समस्या है वो यही है कि टीचर्स की कमी है। टीचर्स अगर उनकी जो संख्या है वो पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन एजेंडा चल रहा है। बिल्कुल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको पूरा पूरा कंपटीशन देने की तैयारी कर रहे हैं हमारे स्कूल्स। मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से स्कूलों में और विद्यालयों में हमें हमारे जो महापुरुष जी है, जैसे आप यहाँ आप लोग मना रहे हो महात्मा जी, जी जी, तो हमारे यानी बच्चों को नहीं बताया जाता, ये क्या कमी है? हमारे टीचरों की कमी है? सर, ये हमारे टीचर्स की कमी तो मैं नहीं कहूँगी। एक्चुअली बच्चों को करिकुलम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है, और मैं अपनी टीम के सामने ये बात जरूर रखूँगी कि ये जो आज हमने इतना बड़ा हमने जो प्रोग्राम रखा है, ये हम अपने बच्चों के साथ भी करें, ताकि उनको भी इन महान शख्सियत के बारे में पता चले कि किस तरीके से उन्होंने हमारा योगदान किया है और हमारा आगे बढ़ने का एक रास्ता बनाया है। जैसे मैडम आप तो जैसे स्त्री हो, तो जबकि यानी स्त्रियों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, और बाबा साहब ये जो ये महात्मा ज्योतिबा की इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, जो पढ़ने का जब गांव-गांव में घर घर में गए तो उनके ऊपर कीचड़ गोबर कई प्रकार से उनको बेइज्जती किया गया, जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना? सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आज का जो हमारा वेलफेयर है वो SC ST के ऊपर है। जब हम इनका इतिहास जानते हैं तो अपने आप में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिल सहम जाता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, केवल शिक्षा ही एक ऐसा आपका अधिकार है जो इन सारी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मैं हर महिला से, हर बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बस उनके पास साधन हो या ना हो, लेकिन शिक्षा वो ले लें किसी भी तरीके से। लेकिन आज भी मैडम जी, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को भी यानी पूछा जाता है कि आप किस जात से आते हो, और उसको भी यानी अलग किया जाता है, ऐसा क्यों? सर, ये एक सामाजिक दायरा है। जैसे कि आज मैंने ये पूरा प्रोग्राम लिया है ऑर्गेनाइज, जब मेरे सामने जब हो रहा था, इसमें मिस्टर नाहर सिंह सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर हम अपने स्कूल के बच्चों को हम ज़्यादा एजुकेटेड नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट अपने घर के बच्चों को तो हम लोग एजुकेटेड कर दें, जिससे जो हमारी सोसाइटी है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें हमारे घर से डेवलप होती हैं। आज अगर हम अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखा देंगे ना, कि किस तरीके से हम दूसरे लोगों को फाइट कर सकते हैं, कैसे जवाब दे सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों को ले सकते हैं, तो वो चीज़ें हमारी समाज में पहुंचेगी और हमारा बच्चा कभी भी अपने आप को नीचा महसूस नहीं करेगा। सर, अभी मैं बस जस्ट ये कहना चाहूँगी, मैं अपना पर्सनली ये मानती हूँ कि मैं एक मदर भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, एक मेंटोर टीचर के रूप में कार्य कर रही हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो टीचर है ना, वो एक माँ की तरह अगर बच्चों को काम कराएगा, बच्चों को माँ की तरह रखेगा ना, तो बच्चा कभी पढ़ाई से दूर नहीं जाएगा। और सबसे ज़रूरी है उसे एक अच्छी मॉरल वैल्यू देना।
उसको एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत उसको अच्छी मॉरल वैल्यूज़ की है। एजुकेशन तो बाद में वो ले लेगा अगर उसमें मॉरल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों में एक अच्छी मॉरल वैल्यू डेवलप की जाए। मैडम कहीं तक जहाँ तक लगता है कि सावित्रीबाई फूले ने इतना संघर्ष करके महिलाओं को शिक्षित किया और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं आगे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि स्कूलों में ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं बहुत ज़्यादा स्तर पे? क्योंकि जहाँ सावित्रीबाई फूले के संघर्ष की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ सरस्वती माता सरस्वती को विद्या की देवी बताया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। मैम देखिए इसमें आज ये भी बताया गया था, जब हमने बारीकी से ये सारी चीज़ें देखी तो इसमें ये भी बताया गया था कि जो एक अध्यापक है ना वो एक कुम्हार की तरह है, बच्चों को वो जैसे ढालेगा वो बच्चा वैसे ही ढलेगा और मेरे पास जो होगा मैं उसे ही दूंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आपके पास गाली है तो आप गाली दोगे, अगर आपके पास प्यार है तो आप प्यार दोगे, है ना। तो जो आपका टीचर है वो बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन मैं यहाँ यही रिक्वेस्ट करूँगी सभी टीचर से, ये जो हमारी महान शख्सियत है इन लोगों के बारे में हमारा पाठ्यक्रम भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि हमारी जो हिस्ट्री है वो क्या रही। आपके सामने भी कभी ऐसे जाति वाचित बताया गया कि आप इस जात से हो, आप ऐसे हो, आप इनको ऐसे मत पढ़ाइए? सर देखिए कुछ चीज़ें हमें सामने पॉइंट आउट नहीं की जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पीछे से बहुत पॉइंट आउट होती हैं कि साथ हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें सामने से कभी नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें पता है कि आई एम सो स्ट्रांग, तो वो सामने से तो शायद मुझे नहीं कहेंगे क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से जवाब दे सकती हूँ उनको। लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के मन में वो एक कसक बनी हुई है, उनके मन में एकदम से रहता है सरनेम को जानने के बाद, अच्छा तुम ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अच्छा मतलब वो अच्छा जो होता है ना वो कहीं ना कहीं एक क्रिटिसाइज करता है कुछ ना कुछ। तो वो चीज़ बदलेगी और एक अच्छा समय आएगा। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये महीना हमारे लिए बहुत ही पावक है और आने वाली जो जयंती है अम्बेडकर जयंती है, आप सभी को उनकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं।